नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभी भी पार्टियों की चुनावी जंग जारी है। चुनाव से ठीक पहले पार्टियां वर्चुअल रैली और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपनी छवि साफ करने का प्रयास कर रही हैं और विपक्ष पर जमकर तंज कस रही हैं। आरोप प्रत्यारोपण के इस दौर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ पहुंचे हैं, जहां वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। हापुड़ में नड्डा ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा, ये लोग केवल अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं, जबकि बीजेपी हमेशा सबके साथ और सबके विकास की बात करके आई है। आगे उन्होंने भाजपा के दौर और विपक्ष के कार्यकाल में क्या फर्क है बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश में किसी भी गरीब के पास खाने की कमी नहीं है। कोरोना के समय सरकार ने मुफ्त राशन दिया है। चुनाव से पहले पार्टियां मैदान में उतरकर पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अलीगढ़ की जनता को रिझाने पहुंचे हैं, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा विकास और कानून सुरक्षा की बात पर जनता को सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ कल नामांकन दाखिल कर आज गोरखपुर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यूपी के गुंडाराज और व्यापारियों के पलायन की यादों को फिर से ताजा कर कमल खिलाने का प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उठा पटक का दौर शुरू हो गया है और चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ चुका है और ये पारा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही नीचे आएगा, ये भी साफ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होनी है। यूपी में सपा और बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से मैदान में है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करल सीट से चुनाव में खड़े हुए हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पहली बार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, तो यूपी विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है और सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए एशियन न्यूज इंडिया।